जैसा कि अनीता जी ने कहा कि जब उन्होंने बुद्धि को त्याग दिया तब उन्हें परिणाम प्राप्त होना शुरू हुए, यहाँ तक कि जब वो कोई सकारात्मक विचार भी क्रिएट नहीं कर रही थी उस समय उन्हें परिणाम प्राप्त होने शुरू हुए। उस समय उन्होंने आरोग्य को पाया, क्योंकि वो आरोग्य से रिलेटेड कोई विचार नहीं क्रिएट कर रही थी लेकिन वो उस भाव के अंदर जी रही थी। ये अनुभूति उन्हें कब हुई? जैसे कि अनीता जी कैंसर होने से पहले ही कैंसर को लेकर बड़ी चिंतित रहती थी कि कहीं मुझे कैंसर ना हो जाए, और बहुत प्रयास करती थी अपना खाना अच्छा रखूं, मैं अपने हर कार्य इस प्रकार से करूं कि मैं कैंसर से बची रहूं। लेकिन उन्हें कैंसर हुआ और जब उन्होंने सब कुछ त्याग दिया तब वो कैंसर से मुक्त हो गई। यहाँ पर एक प्रश्न आया था पिछली वीडियो में कि क्या इसका मतलब ये है कि हमें कुछ नहीं करना चाहिए, हमें किसी चीज़ को प्राप्त करने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए? जी नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये है कि बुद्धि का काम सिर्फ विचार क्रिएट करने का है, उसके बाद उसके काम को छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर आप बार 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 कोई विचार क्रिएट कर रहे हैं, उसे छोड़ नहीं रहे हैं, बार बार बुद्धि का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप प्रकृति पर विश्वास ही नहीं कर रहे। आप बहुत सुंदर विचार क्रिएट कर रहे हैं जो कि बहुत पॉजिटिव ऊर्जा है और बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस प्रकृति पर भरोसा करके उसके हवाले जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप सिर्फ पहली पायदान पर कदम रख रहे हैं, सिर्फ बुद्धि की पायदान पर कदम रख रहे हैं, उसको त्याग देना है। आप चकले बेलने पे रोटी बनाते हैं, रोटी बेलते हैं, उसके बाद फिर वो रोटी तवे पे जाती है, पकने के बाद वो रोटी प्लेट में आती है। हर टाइम पे हर चीज़ ने अपना अलग अलग कार्य किया ना। चकला बेलन एक साधन थे रोटी को गोल बनाने का, उसे पतला करने का। तवा एक साधन था उसे पकाने का, और प्लेट एक साधन है उसमें रख के खाने का। मेन काम तो यही है कि रोटी पेट में जाए। बाकी सब चीज़ों ने, प्लेट ने, चकले बेलन ने, सबने एक साथ दिया उस कार्य को करने में। इसी तरह से बुद्धि जब आप कोई सकारात्मक विचार क्रिएट करते हैं तो वो एक साधन है, आपने उस साधन का प्रयोग कर लिया, आप उसे छोड़ दीजिए। आपने मन का प्रयोग करके उसमें सुंदर भाव भी भर दिए, अब मन को भी छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर आप बार 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 सिर्फ बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं, सिर्फ मन का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि बहुत पॉजिटिव ऊर्जा है, कल्याणकारी है, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बुद्धि और मन के खेल में ही उलझे हुए हैं, इस प्रकृति को प्रकृति के हवाले नहीं कर रहे हैं, तो आप विश्वास की सीढ़ी कहाँ चढ़ रहे हैं? आप करने की सीढ़ी चढ़ रहे हैं। मैं बुद्धि से सकारात्मक विचार क्रिएट करूंगा, मैं मन से उसमें सकारात्मक ऊर्जा भरूंगा, ये करने की स्टेज है। होने की स्टेज तब आती है जब वो चीज़ प्रकृति के हवाले होती है, और हमें होने की स्टेज ही चाहिए। अनीता जी ने भी आरोग्य तभी पाया जब वो होने की स्टेज में थी, करने की स्टेज में नहीं थी। वो करने की स्टेज को पार कर चुकी थी, अब वो होने की स्टेज में थी। वो महसूस कर रही थी कि इस प्रकृति के पास मैं इस ब्रह्मांड के साथ, इस प्रकृति के साथ एक हूँ, हम एक ही हैं, ब्रह्मांड और मैं एक ही हैं। इसलिए इस प्रकृति के पास जो अनंत सकारात्मक ऊर्जा है वो मेरी ही है। इस प्रकृति के पास जो आरोग्य की परम ऊर्जा है वो मैं ही हूं। जब वो होने की स्टेज थी, जब अनीता जी होने की स्टेज पे पहुंची, सब कुछ छोड़ दिया। यहाँ पे इस बात पे गौर कीजिए, हम छोड़ते कब नहीं हैं? जब हम करने की स्टेज में होते हैं, जब हम होने की स्टेज में होते हैं तब हम छोड़ देते हैं। और अगर आप छोड़ने की स्टेज पर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो इसका मतलब कार्य आत्मा के स्तर पर पहुंच ही नहीं रहा है। और ये जो बल है, जो ये जो असीम पॉजिटिव ऊर्जा है, ये हमारी आत्मा में है, कार्य आत्मा को करना है। मन बुद्धि साधन थे, साधन का यूज होने के बाद अब ये काम आत्मा का है,
इस प्रकृति का है, जब आप इस प्रकृति के हवाले करेंगे तब ये आत्मा और ब्रह्मांड जो कि एक ही है आपको वो सकारात्मक ऊर्जा रिटर्न करेंगे, और वैसे रिटर्न नहीं करेंगे जैसे आप क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि आप भौतिक रूप से सोच कर एक छोटा सा विचार क्रिएट करते हैं, लेकिन जब ये प्रकृति आपको रिटर्न करेगी उस सकारात्मक ऊर्जा को, तो वो आपकी कल्पना उससे परे होगी, क्योंकि ये अनंत सोर्स है, ब्रह्मांड अनंत पॉजिटिव ऊर्जा का सोर्स है। आप कुएं में एक ग्लास पानी डाल सकते हैं, लेकिन आप एक ग्लास में रस्सी बांध के कुएं से पानी नहीं निकाल रहे हैं, आपको कुआं बाल्टी भर के पानी दे रहा है। ऐसे ही जब आप एक सकारात्मक विचार, क्योंकि आप भौतिक शरीर के अंदर हैं तो आपकी सोच बड़ी सीमित सी है, आप अपनी बुद्धि के अनुरूप छोटा सा सोचते हैं, मुझे एक घर मिल जाए, मेरा ये काम हो जाए, बड़ी सीमित सी सोच है। आप अपनी सीमित सोच, क्योंकि बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि भौतिक शरीर में है इसलिए उसके मुताबिक सोच रहे हैं, लेकिन ब्रह्मांड आत्मा का एक रूप है, वो आत्मा के साथ एक है, वो बुद्धि की तरह सीमित नहीं है, उसकी पावर्स, उसकी सकारात्मक ऊर्जा बेहिसाब है। इसलिए जब ये प्रकृति आपको रिटर्न करेगी उस सकारात्मक ऊर्जा को जिसकी अनुमति आपने इस प्रकृति को दी है, तो वो भी अनंत ही होगी। यहाँ पर एक स्थान पर अनीता जी ये भी कहती हैं कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम को अनुमति देने का नियम कहती हूँ। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज नहीं करती हैं, वो इसे अनुमति देने का नियम कहती हैं। अब इन दोनों के बीच में फर्क क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम कहता है कि आप जो चीज चाहते हैं उस चीज को अपने करीब खींचते हैं। आप जिस सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं वो आपके पास लौट कर आएगी, ये आकर्षण का नियम कहता है। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं करने का नियम है। जब आप इस नियम को अनुमति देने का नियम मानते हैं तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप ये मान रहे हैं कि ये ब्रह्मांड और मेरी आत्मा हम एक ही हैं, और ये प्रकृति को मैं अनुमति देती हूँ कि वो मेरे लिए ये कार्य करे। जब आप प्रकृति को अनुमति देते हैं तो आप इस प्रकृति पर भरोसा कर रहे हैं, इस ब्रह्मांड पर, परमात्मा की पावर पर यकीन कर रहे हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो अपनी माँ पर यकीन करता है। एक बार जब वो अपनी माँ की गोद में चढ़ जाता है तो वो फिर सवाल नहीं करता कि मम्मी आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, ये रास्ता सही है या ये रास्ता गलत है। नहीं, उसे विश्वास है, वो आंखें बंद करके आराम से सो जाता है, क्योंकि उसे पता है उसकी मम्मी उसे जहाँ लेके जाएगी बिल्कुल सही रास्ते से लेकर जाएगी। उसे तो कुछ करना ही नहीं है, उसे बस अपनी मम्मी की गोद में आंखें बंद करके सोना है। लेकिन अगर वो छोटा सा बच्चा अपनी बुद्धि बहुत ज्यादा चलाने लगे, नहीं मम्मी इस रास्ते से नहीं इस रास्ते से, नहीं मम्मी मेरी उंगली पकड़ो इस रास्ते से चलो, तो क्या होगा? बेवजह वो छोटा सा बच्चा थकेगा, बेमतलब सोचेगा, अपनी बुद्धि लगाएगा कि मैं इस रास्ते जाऊं मैं इस रास्ते जाऊं, जो कि उसे पता ही नहीं है। अपने पैरों को थकाएगा क्योंकि वो उस रास्ते पर चलेगा। इस हद तक इस प्रकृति पर भरोसा करना है, और जब आप इस प्रकृति पर भरोसा करेंगे तो आप होने की स्टेज में पहुंच जाएंगे, जैसे कि अनीता जी अपने उस एनडीई अनुभव के दौरान कहती हैं कि मैंने कोई सकारात्मक विचार क्रिएट नहीं किया, लेकिन मैं उस विचार के अंदर थी, मैं वो होने की स्थिति में थी। क्या आप अपने माता पिता से बार बार कहते हैं कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ? आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है, आपके माता पिता को भी ये कहने की ज़रूरत नहीं है। बिना कहे आप दोनों होने की स्टेज में हैं। आपके माता पिता चाहे आपसे ना कहें कि वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं। आपको आंखें बंद करके भरोसा है उन पर। और यहीं पर एक और बात है जो अनीता जी ने कही है, ये बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सही है। उन्होंने ये कहा कि मान्यताओं को छोड़ना पड़ता है, मान्यताएं, सिद्धांत, क्योंकि वो हिंदू परिवार की संतान नहीं, लेकिन उनका जो बचपन है वो चीनी परिवेश में गुजरा, उन्होंने काफ़ी समय चीन में गुजारा,
हांगकांग में, चीन में, अमेरिका में उन्होंने काफी अलग अलग स्थानों पर अपना समय गुजारा, तो वहाँ के जो परिवेश है, संस्कार है, संस्कृतियां हैं, उनका असर उनके ऊपर पड़ा। और वो न सिर्फ हिंदू संस्कारों और संस्कृति के साथ जुड़ी रहीं, जो कि उनका वो मूल रूप से हिंदुस्तान से जुड़ी हुई हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने अपना बचपन चीन में गुजारा, तो कहीं ना कहीं चीनी संस्कृति का असर भी उनके ऊपर बहुत ज्यादा था। यहाँ पर वो एक बात कहती हैं कि जब हम एक दूसरी संस्कृति में जाते हैं तो उनके आध्यात्मिक वे आरोग्य तंत्र विपरीत जान पड़ते हैं, विपरीत जान पड़ते हैं। यहाँ पे इन्हीं मान्यताओं और सिद्धांतों की बात हो रही है जो आप अलग अलग धर्मों में, अलग अलग देशों में अलग अलग देखेंगे। और हर देश, हर संस्कृति, हर धर्म उन सिद्धांतों को ही सही बता रहा होगा। और जब आप किसी एक मान्यता और सिद्धांत के साथ बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं, तब भी आप कहीं ना कहीं अपने नेचुरल होने के फ्लो को रोक रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि हिंदुओं का मानना है कि पशुओं का मांस खाना पाप है, जबकि चीनियों का मानना है कि मांस ना खाना सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। ठीक इसी तरह से भारतीयों के पास वास्तुशास्त्र है, जिसका उद्देश्य चीनी फेंगशुई जैसा है, लेकिन वो चीनी नियमों के साथ मेल नहीं खाता है। यानी वास्तुशास्त्र का और फेंगशुई का मकसद एक ही है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से विपरीत है, एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। और वो कहती हैं कि मैं अक्सर ये जो विपरीत नियम है, एक संस्कृति में ये चीज सही ठहराई जा रही है, दूसरी संस्कृति में ये चीज सही ठहराई जा रही है, तो कौन सी चीज सही है, मैं इसके बीच में उलझ के रह जाती थी। और ये बात आजकल मैं भी बहुत ज्यादा महसूस करती हूँ। मैं भी कई बार जब YouTube वीडियोस देखती हूँ तो मैं महसूस करती हूँ कि कहीं कुछ छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान के साथ अपनी आत्मा के ज्ञान को मिलाना बहुत जरूरी है। आप ध्यान दीजिएगा, उदाहरण के तौर पे आप YouTube वीडियोस खोलिए, आप जो चाहे वो देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आप यदि चाहेंगे तो आपको दूध पीने के फायदे की 500 वीडियोस आपके सामने खुल जाएंगी, लेकिन अगर आप चाहेंगे कि नहीं, इसके विपरीत आपको अगर दूध पीने का नुकसान से रिलेटेड वीडियो देखनी है, तो दूध पीने के नुकसान की भी 500 वीडियोस आपके सामने खुल जाएंगी। यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि ज्ञान की भी बाढ़ आ गई है। और फिर आप एक तरफ सोचेंगे, उस वीडियो में मैंने देखा था दूध पीना अच्छी बात है, लेकिन एक दूसरी वीडियो में मैंने देखा था दूध ना पीना अच्छी बात है, दूध ज्यादा पीने से ये नुकसान हो जाएंगे, तो क्या सही है? यहां आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है, और उसके बाद अपनी, जब आप एक डिसीजन ले लेते हैं, उस पर कार्य करते हैं, तो उसके बाद अपनी आत्मा की ताकत पर भरोसा करना है, इस प्रकृति पर भरोसा करना है कि सब एक्यूरेट और सही कर रहे हैं। वो आगे कहती हैं कि जितना उन्होंने वो अलग अलग संस्कृतियों को देखती रही, समझती रही, अलग अलग मान्यताओं को देखती रही, समझती रही, उतना उनका डर बढ़ता रहा, क्योंकि हर जगह, एक जगह पे एक चीज सही है, दूसरी जगह पे दूसरी चीज सही है। आगे वो कहती हैं कि मेरे एनडीई ने मुझे मुझ तक ही वापस लेकर आया। उनके अनुसार कि हम सबके लिए सबसे बेहतर उपाय हो सकता है कि हमें एहसास होना चाहिए कि हम यहाँ अपने ही निजी मार्ग को खोजने और उस पर चलने के लिए आए हैं। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम इस सारे भौतिक संसार को त्याग कर पूरे 20 सालों तक किसी पर्वत पर बैठ के ध्यान लगाएं, या फिर किसी अरबों डॉलर की किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी को खड़ा करें जिसमें हजारों लोगों को आजीविका मिले, कमाने का अवसर मिले। हम किसी मंदिर या किसी गिरजाघर में भी जा सकते हैं, और किसी समुद्र के किनारे बैठकर मार्गरीटा पीने का आनंद भी ले सकते हैं, और किसी प्यारे इंसान के साथ बैठकर एक आलीशान सूर्य अस्त का नजारा भी देख सकते हैं, या आइसक्रीम खाते हुए पार्क में सैर कर सकते हैं। अंत में हम अपने लिए जो भी रास्ता चुनते हैं वही हमारे लिए सही है। इससे कोई भी विकल्प किसी दूसरे से कम या अधिक आध्यात्मिक नहीं हो सकता। कुल मिला के यहाँ पे मन की अवस्था की बात की गई है। आपको गिरजाघर मंदिर में जाकर सुकून मिल रहा है, आपको एक बहुत पॉजिटिव सकारात्मक आनंदमय ऊर्जा
समुद्र के किनारे बैठ के सूर्यास्त को देखने में मिल रही है, या आप किसी अपने प्रियजन के साथ पार्क में सैर करते हुए आइसक्रीम खाने में आपको आनंद मिल रहा है, आपको जो भी करने में आनंद मिल रहा है, आप जहाँ पर भी पॉजिटिव ऊर्जा, सुकून की ऊर्जा क्रिएट कर रहे हैं, आप जहाँ पर भी अपने आप को प्यार करने वाला, अपने आप से प्यार करने की स्टेज पर हैं, वही आपके लिए सही रास्ता है, वही आध्यात्मिक रास्ता है। क्योंकि आध्यात्मिक होना मतलब अपने आप को आनंद और सुकून की स्थिति तक पहुंचाना, ये हमारी आत्मा का मेन मकसद है। वो आनंद और सुकून महसूस करना चाहती है, वो प्यार महसूस करना चाहती है। वो फिर आपको जहाँ पर भी बैठ के हो उसके लिए स्थान की या आप क्या कार्य कर रहे हैं कि सीमाएं नहीं है। आपको पूजा करते हुए सुकून मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको अपने किसी प्रियजन के साथ बैठकर कुछ अच्छी सकारात्मक सुंदर शुभ बात करते हुए सुकून मिल रहा है, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आप दोनों ही स्टेज में सुकून को, आनंद को, प्यार को, जो आत्मा की ओरिजिनल स्टेज है, जो अध्यात्म का मकसद है, उसे पा रहे हैं। इसलिए जैसा कि उन्होंने बताया कि वो चीन में पली बड़ी हैं, लेकिन हिंदू संस्कार, उनको परिवार में हिंदू संस्कार दिए गए, इन दोनों ही संस्कृतियों में उन्होंने कुछ डिफरेंस महसूस किया। उन्होंने महसूस किया, एक तरफ हिंदू धर्म में नॉनवेज खाना गलत बताया जा रहा है, दूसरी तरफ चीन के आध्यात्मिक गुरु भी नॉनवेज खाने की फेवर लेते हैं। एक तरफ वास्तु शास्त्र है, दूसरी तरफ फेंगशुई है, दोनों का मकसद एक ही है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से विपरीत हैं। उन दोनों की कार्यविधि एक दूसरे से अलग है, नियम एक दूसरे से अलग हैं। जो हमारी भव्यता है उसके संपर्क में आने के लिए हमें सही मायने में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह के नियमों पे, सिद्धांतों का पालन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर किसी विशेष धर्म के नियमों पे चल के, किसी विशेष सिद्धांतों का पालन करके आपको खुशी मिल रही है, आप अच्छा फील करते हैं, आपको सुकून मिलता है, तब आपको ज़रूर ऐसा करना चाहिए। लेकिन ये कोई अनिवार्य शर्त नहीं है। क्योंकि सुकून और आनंद का भाव क्या है? एक मुसलमान कुरान पढ़ के मस्जिद में जाके सुकून और आनंद महसूस कर सकता है, एक हिंदू मंदिर में जाके गीता पढ़ के सुकून और आनंद महसूस कर सकता है। तो क्या इन दोनों का धर्म अलग-अलग होना, इनके जो सुकून और आनंद, अध्यात्म का मतलब जो है अंत में क्या प्राप्त करना है, आनंद और सुकून, उसकी राह में बाधा तो नहीं बन रहा? और अगर आपका कोई भी मान्यता, कोई भी सिद्धांत उस सुकून और आनंद को आपको नहीं दे पा रहा है, तो उसे आपको छोड़ना है। यहाँ पर मैं भी एक बात कहना चाहूंगी कि मेरे पास कुछ भक्ति मार्ग से रिलेटेड प्रश्न भी आते हैं, जबकि मैं भक्ति मार्ग को कई वर्ष पहले छोड़ चुकी हूँ। और कहीं ना कहीं भक्ति मार्ग को छोड़ने के पीछे रीजन भी मेरा यही था कि मुझे ऐसा महसूस होता था कि परमात्मा को मुझसे ये नहीं चाहिए। मेरा बाहरी रूप से कुछ भी करना परमात्मा को आनंदित नहीं कर सकता। ये चीज जो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर पैदा होती थी कि मेरा भारी कोई भी कार्य परमात्मा को, मैं परमात्मा की चापलूसी करूं और परमात्मा मुझसे खुश हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने परमात्मा को और इस प्रकृति को समझने के लिए ज्ञान मार्ग का और प्रेम मार्ग का रास्ता चुना। यहाँ मैं अपने आप को सही नहीं कह रही हूँ। अगर आप पूजा करते हुए आनंद और सुकून महसूस करते हैं, तो आपके लिए वो ही सही है। क्योंकि आखिरकार अपनी आत्मा के साथ हम तभी जुड़ पाएंगे जब हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो सकारात्मक हो, पॉजिटिव ऊर्जा पैदा करता हो, और आपके अंदर आनंद की अनुभूति, सबके प्रति प्रेम की अनुभूति, और उससे भी पहले अपने प्रति प्रेम की अनुभूति पैदा करता हो। हम केवल अपने आंतरिक मार्गदर्शक का जो अनुसरण करते हैं, तभी हम जान सकते हैं कि हमारे लिए क्या सही है। और जब हम अपनी अंतरात्मा से जुड़ेंगे, तो हमें ये भी पता अपने आप चल जाएगा कि जो चीज़ हम प्राप्त करना चाह रहे हैं, खोजना चाह रहे हैं, उसके लिए हमारा रास्ता सही है या नहीं है। और आप सही रास्ते पर हैं या सही रास्ते पर नहीं हैं, इसका अंदाज़ा आपको अपने मन की स्टेज को देखने पर ही लग जाएगा। जब आप दूसरों को जज नहीं करते हैं, बिना उन्हें जज किए उन्हें प्यार दे पा रहे हैं, अपने आप को परखना आपने बंद कर दिया है,
बिना आपने आपको भी जज किए आप अपने आप को प्यार दे पा रहे हैं। आगे वो कहती हैं कि मैं अपने से बाहर किसी भी ईश्वर को पूजने की ज़रूरत महसूस नहीं करती, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि मैं हमेशा से ही इस ब्रह्मांड के साथ एक हूँ और मैं अपने 100% समय, अपना हर समय मैं ब्रह्मांड के साथ ही हूँ। और इस तरह से मुझे लगता है कि मेरा पूरा जीवन ही अपने आप में एक प्रार्थना है। जब आप अपने आप को उस परमात्मा का ही अंश मान रहे हैं, ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा का ही एक अखंड हिस्सा मान रहे हैं, तो उसके बाद आपका जीवन ही अपने आप में प्रार्थना है। आपको तो सकारात्मक विचार भी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो जी रहे हैं उस सकारात्मकता के अंदर। आपके अंदर यूं ही फ्लो हो रही है, क्योंकि आप उस सकारात्मक ब्रह्मांड की ऊर्जा का ही एक बहुत प्रभावशाली अखंड पॉजिटिव ऊर्जा का अखंड हिस्सा है। क्या अंबानी को धन की तरफ अपनी ऊर्जा को फोकस करने की जरूरत होती है? धन के विषय में मुझे धन कैसे प्राप्त होगा, बहुत अधिक सोचने की आवश्यकता होती है? नहीं होती, बस धन यूं ही उसके पास खींचा चला आता है, क्योंकि वो हर समय इसी भाव के अंदर है कि धन मैं ही तो हूं, मैं ही तो धनवान हूं। इसी तरह से जब आप होने की स्टेज में पहुंच जाएंगे कि मैं ही तो प्यार हूं, मैं ही तो आनंद हूं, मैं ही तो खुशी हूं, तो आपको कोई विचार क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर फ्लो करेगा। जैसा कि उन्होंने कहा कि मेरा तो पूरा जीवन ही प्रार्थना है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को परमात्मा के साथ एक मान लिया। जब वो किसी को जज ही नहीं करती, वो सबको तहे दिल से प्रेम कर पाती हैं, वो ये जरूरत ही नहीं मानती कि उन्हें किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत है, या कोई आपसे आदर मांगेगा तो वो अपने आप को कुछ सुपीरियर प्रूव करेगा तब आप उसे आदर देंगे। वो इस तरह की किसी स्टेज में अपने आप को पाती नहीं है, यानी अब उनके लिए उनका पूरा जीवन ही प्रार्थना है। जैसे कई बार मुझे लगता है कि मेरे लिए मेरा जीवन ही ध्यान है। मुझे नहीं लगता कि मुझे ध्यान के लिए किसी एक विशेष समय, किसी विशेष एक स्थान की जरूरत है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे 24 आवर्स उस परमात्म ध्यान में ही हैं। इसलिए जहां अनीता जी ने ये कहा कि मेरा पूरा जीवन ही प्रार्थना है, मैं उनके इस भाव को समझ पाई, क्योंकि मुझे भी ये लगता है कि मेरा पूरा जीवन तो ध्यान ही है। मुझे एक एक स्थान पर बैठ के ध्यान करने की अधिक आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रार्थना क्या है? प्रार्थना है एक सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करना। जो आत्मा 24 आवर्स ये कार्य कर रही है, उसके लिए किसी एक समय पर बैठ के ये कार्य यदि वो नहीं भी करती तो भी क्या फर्क पड़ता है? तो भी उसके लिए पूरा जीवन ही प्रार्थना है, क्योंकि वो तो हर समय ही एक पॉजिटिव एहसास के अंदर जी रही है और पॉजिटिव विचारों को हर समय ही क्रिएट कर रही है, हर समय ही पॉजिटिविटी के अंदर है, तो उसके लिए तो उसका पूरा जीवन ही प्रार्थना है। एक स्पेशल किसी वक्त पे अगर उसने प्रार्थना नहीं भी करी तो भी इस बात से क्या फर्क पड़ता है? आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। जैसा कि अनीता जी ने कहा कि जब उन्होंने बुद्धि को त्याग दिया तब उन्हें परिणाम प्राप्त होना शुरू हुए, यहाँ तक कि जब वो कोई सकारात्मक विचार भी क्रिएट नहीं कर रही थी उस समय उन्हें परिणाम प्राप्त होने शुरू हुए। उस समय उन्होंने आरोग्य को पाया, क्योंकि वो आरोग्य से रिलेटेड कोई विचार नहीं क्रिएट कर रही थी, लेकिन वो उस भाव के अंदर जी रही थी। ये अनुभूति उन्हें कब हुई? जैसे कि अनीता जी कैंसर होने से पहले ही कैंसर को लेके बड़ी चिंतित रहती थी कि कहीं मुझे कैंसर ना हो जाए, और बहुत प्रयास करती थी अपना खाना अच्छा रखूं, मैं अपने हर कार्य इस प्रकार से करूं कि मैं कैंसर से बची रहूं। लेकिन उन्हें कैंसर हुआ, और जब उन्होंने सब कुछ त्याग दिया तब वो कैंसर से मुक्त हो गई। यहाँ पर एक प्रश्न आया था पिछली वीडियो में कि क्या इसका मतलब ये है कि हमें कुछ नहीं करना चाहिए, हमें किसी चीज़ को प्राप्त करने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए? जी नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है।
इसका मतलब ये है कि बुद्धि का